आप लोगों को ओके आ रही होगी। तो इस वाली वीडियो में आप लोगों का डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, यूजी का, पीजी का, आप जो लोगों का जो भी एग्जाम पैटर्न है वो आप लोगों का क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में आपके यूजी वालों की सबसे पहले बात कर लेते हैं, यूजी वालों का क्या रहेगा, ठीक है। तो यूजी वालों का क्या है, आप लोगों का यूजी वालों का जो ऑड सेमेस्टर होता है वो आप लोगों का रिटर्न होता है, और इवन सेमेस्टर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो आप लोगों का अभी होने वाला है ऑड सेमेस्टर, मतलब पहले तीसरे और पांचवें सेमेस्टर का एग्जाम आप लोगों का होने वाला है। तो ये एग्जाम आप लोगों का रिटर्न होगा। अब रिटर्न में भी क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और पैटर्न आप लोगों का क्या रहेगा वो इस वाली वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को जो पैटर्न आप लोगों का रहेगा वो आप लोगों का पैटर्न रहेगा, 10 क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे और 5 क्वेश्चन कोई भी आप लोगों को करने होंगे, कोई भी क्वेश्चन करने होंगे, कोई भी लिमिट की आप लोगों की जो यूनिट वगैरह होती है उसकी कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी कि इस यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, इस यूनिट से 4 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ भी बाउंडेशन आप लोगों के लिए रहने वाला नहीं है, ठीक है। तो इतना आप लोग आप समझ लीजिए। इसके बाद बात कर लेते हैं पीजी वालों की। तो पीजी वालों के सारे सेमेस्टर वगैरह रिटर्न वगैरह होते हैं, रिटर्न एग्जाम होते हैं, चाहे ऑड सेमेस्टर हो चाहे इवन सेमेस्टर हो। अब यूजी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, यूजी के अंदर आप लोगों के आ जाएंगे बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए वगैरह आ जाएगा आप लोगों का। जितने भी बैचलर कोर्सेज हैं वो सारे अंडर ग्रेजुएशन के अंदर, मतलब यूजी कोर्सेज के अंदर आ जाते हैं। तो आप लोगों का जो भी, अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो भी सेमेस्टर एग्जाम होगा वो आप लोगों का रिटर्न एग्जाम होगा, और उसमें से आप लोगों को 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन आप लोगों को करने रहेंगे। लैंग्वेज कोई भी कर सकते हैं, इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं, हिंदी भी यूज कर सकते हैं, ये अपडेट है। एग्जाम पैटर्न आप लोगों का यही रहेगा। बाकी आप लोगों की रही बात एग्जाम फॉर्म की, तो एग्जाम फॉर्म आप लोगों का 15 तारीख तक आ जाना चाहिए, और आप लोगों के जो एग्ज़ाम वगैरह होंगे वो फरवरी में शिफ्ट हो जाएंगे, फरवरी में आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। अगर और कोई भी क्लियरिफिकेशन इससे रिलेटेड हम लोगों को मिलता है तो आप लोगों को तुरंत बताएंगे। बने रहिए चैनल के साथ, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।